अबे गिर जाएगा मेरी जान। अबे पागल। जो देख रहे हो ये ना लुक है, जोकर वाला लुक, ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस पे कुल कॉस्ट आ गया बार ब्रो, कर फिल कर फिल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपको फिर से मेरे एक नए सी वीडियो में। अभी दिन के 2 बज गए एंड आज ना मौसम बहुत, पहले मौसम चेक करो तो आज ना धूप अच्छी खासी थी। तो मैंने सुन रहा कि राइड पे जाऊंगा एंड लेट्स सी कि क्या रहेगा। बहुत सारे बंदों ने मुझे कॉल की थी एंड उन्होंने बोला था कि आपने जो बाइक को मॉडिफाई किया है उसमें कितना खर्चा आ गया। तो आज मैं आप लोगों को वही बोलूंगा कि इसमें कितना खर्चा आ गया एंड क्या क्या मैंने इसमें चेंज किए। तो अभी मैं एक बंदे का वेट कर रहा हूँ, साजिद का, वो भी आ रहा होगा, बोला मैं भी आऊंगा आपके साथ। तो अभी वो भी आएगा एंड उसके बाद देखते हैं। फिलहाल मैं जाऊंगा सैलून के पास एंड थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। हियर इज द बाइक एंड जब से मैंने इसको मॉडिफाई किया है तब से मतलब इतने अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, सब बंदे बोल रहे हैं मुझे कि आपने नई बाइक लाई है। एंड अभी साजिद आ रहा होगा, पहले ग्राउंड जाते हैं, अपनी लोकल टीम आ जाएंगे क्योंकि मौसम भी ना आज से ना मौसम सही है यार, ये चेक करो आज से ना मौसम सही है। तो लेट्स सी क्या रहेगा, फिलहाल साजिद का वेट करते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। तो ये दूसरी बाइक, हियर इज द मैन। भाई कहाँ जाना है? मुझे जाना है अमृतसर। अमृतसर तो राइड पे चले ना। क्यों? तो अभी आ गई दूसरी बाइक। वो राजा नहीं है वहाँ पे। राजा नहीं है? ये क्या टूट गया यहाँ से? ये गियर खोला था मैंने इसे, वो तो ये ना RC390 जिस पे मैंने लास्ट व्लॉग जो आपने देखा जो जिस पे हमारी ड्रैग रेस हो गई थी, ये वाली ही थी वो बाइक। डायरी अपनी शारीर भी आ रहा है, वो चेक करो। अभी निकलते हैं यहाँ से मेरी जान। अचानक ना रॉयल भाई मिल गया, उसने बोला कि मुझे बाइक में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करानी है। वो एक्चुअली इसके इसका जो वाइजर है ना, इसके पास 390 इसका जो वाइजर है उसको मैंने बोला उसको आप ना इस पर स्मूव कर वो ना फिर ऐसे इस पर जे जे के। तो अभी हम जा रहे हैं आशिक साहब के पास, इस पर स्मूव करेंगे 390 बेस्ट। एंड आज ना मैं पहली बार जा रहा हूँ मार्केट में, जब से बाइक को मॉडिफाई किया है ना तब से लेकर आज मैं जा रहा हूँ। तो अभी मार्केट में पहुँच गया, साजिद ने बोला था मैं भी आऊँगा, पता नहीं वो कहाँ पर। इसकी टायर में ना एयर ही नहीं है तो अभी ना एयर डालते, क्योंकि यहाँ पे जो टायर वाला है जो एयर प्रेशर बढ़ता है वो ना यहाँ पे नहीं है। तो अभी यहाँ पे पहले एयर भरते हैं। शाबाश ब्रो, कर फिल कर फिल। शाबाश हाँ, चल तो आ गई तीसरी बाइक भी हमारी, चल भाई लेट्स गो। जिया बाकी ये रही RC390 एंड पीछे से और एक गाड़ी है, ये साजिद की 250 cc। तो लेट्स गो गाइस। आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, अदरवाइज मैं भी भाग सकता हूँ बट मैं नहीं चाहता कि मैं भागूंगा। एक तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें कितना खर्चा आ गया एंड क्या क्या मैंने इसमें इंस्टॉल किया एंड दूसरी बात वहां पे हम थोड़ी सी रिव्यूज बनाएंगे एंड लेट्स सी कि क्या रहेगा। बाकी मुझे काम था सैलून के पास, मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करेंगे भीड़ में बट अभी जो बंदे मिल गए तो अब प्लान ही कैंसिल है यार, अब नहीं हो पाएगा।
कम 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 फास्ट आ जा जल्दी। ओ बंदा देखो, तो अभी हम पहुंच गए कुछ इस तरह की जगह पर एंड ये जगह ना प्यार है मेरी जान। यहाँ पे हमने प्लान बनाया, हम यहाँ पे रील्स बनाएंगे। गाइस अभी आ गए हम कुछ इस तरह की जगह पे एंड इस बंदे को ना आप जानते होंगे राजीव कुछ ना ना आपने कभी इस बंदे ने कभी व्लॉग में बात नहीं की। एक एक व्लॉग में तू शायद मेरे साथ था ना, तो एक व्लॉग में मेरे साथ था ना जब हम मुंडस गए थे, तो ये बंदा ना एक व्लॉग में मेरे साथ था एंड आज ना बहुत टाइम के बाद ये आ गया। चलिए क्राउन में मिल गया मुझे, इसने बोला कि हम भी राइड ज्वाइन करेंगे। तो अभी आगे हम कुछ इस तरह की जगह पे एंड यहाँ पे हम पहले मतलब थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ना कुछ रील्स बनाएंगे क्योंकि ये सपोर्ट ना बहुत सही है। बाकी जो बाकी कुछ प्लान था वो प्लान कैंसिल हो गया, मुझे एक जगह जाना था वो प्लान जब ये बंदे मिल गए तो फिर प्लान ही कैंसिल किया हमने। तो गाइस इट्स टाइम टू मूव, यहाँ पे कुछ रील्स बनाए हमने जो कि नसाईडी दिख रही है आपको, वहाँ पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे ऐसे रील्स देखने को मिलेंगे। तो बंदा ना फजूल में तेज चल रहा है, जो मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये भाग रहा है। ये देखो ये बंदा क्या कर रहा है। हाँ भाई गिर जाएगा मेरी जान। हाँ भाई हाँ पागल, अरे गिर जाएगा तू पागल यार, ऐसा क्यों चल रहा है मुझे बोल। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला क्या ऐसा चल, एंड मैंने अभी दिखाया नहीं कि बाइक में क्या क्या किया एंड बाइक में कितना कुछ खर्चा आ गया, वो भी आपको अभी पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा काम किया है मैंने इसमें। यहाँ पे मैं रुक गया, ये चेक करो, फर्स्टली ये रही बाइक, जो काम था वो टायर लगाना था। ये देखो सीट जूम रेड एक्स वन का टायर मैंने इसमें लगाया, तो ये ना 150 इस पे ऑलरेडी 130/70 or 70 का आता था, बट मैंने इसको अपग्रेड किया, अपसाइज किया है टायर को, जिसकी वजह से ये बाइक ना मतलब थोड़ी सी अब भारी होने लगी एंड इसका जो मतलब साइज था वो अप हो गया। तो ये जो टायर है ये 150/60/70 का आता है एंड ये अप्रोक्स मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है 300 kg। तो एक तो ये टायर मैंने इसमें इंस्टॉल किया, एक तो ये टायर मैंने इसमें इंस्टॉल किया एंड दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है एंड वो है ये एयरो व्हील्स, जिसको बोलते हैं, इस पे मैंने ये एयरो व्हील्स इंस्टॉल किया। ये ना मैंने बिहार से ऑर्डर किया था, अगर किसी को मतलब लाना होगा वो मुझे डीएम कर सकता है, मैं उसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो मेरी रेफरेंस देकर वो डिस्काउंट पक्का मिलेगा। अगर बाइक में आप अच्छा लुक देखना चाहते हो तो ये ना आप एयरो व्हील्स ला सकते हो, मैंने कस्टमाइज़ करके लाया। अगर फ्रंट की बात करेंगे तो फ्रंट में मैंने इसको ये जो रिम है इसमें मैंने कलर किया है, ये जो रिम देख रहे हो इस पे मैंने कलर किया है एंड ये जो शील्ड दो है इनको भी मैंने परमानेंट कलर किया है एंड ये जो रिम देख रहे हो इस पे भी मैंने कलर किया है, ये जो रैप है ये हाइलाइट देख रहे हो ये भी मैंने किया है। मैंने सोचा कि ये और ये दोनों ना मैच हो रहे हैं, यहाँ पे भी ये वाली रैप मैंने की, ये जो वजह देख रहे हो इस पे मैंने कार्बन फाइबर का रैप किया है। इसके बाद ये जो सामने का लुक दिख रहा है, ये जो देख रहे हो ये ना लुक है जोकर वाला लुक, ये कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हो गया रहेगी बात, इस पर पूरा खर्चा कितना आ गया, इस पर कुल कॉस्ट आ गया 11,000 rupees। इस मॉडिफिकेशन पे मैंने 11,000 खर्च किए, बहुत सारे बंदों ने बोला कि कितना आ गया खर्च, तो दे शुड नो कि इस पर 11,000 का खर्चा आ गया। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लुक आ रहा है इसका। तो बाकी बहुत सारे बंदों ने बोला कि नहीं भाई तूने बाइक शायद नहीं लाई, तो भाई बहुत सारा रिएक्शन आ रहा है। तो खैर आई थिंक इस व्लॉग को रखते हैं, बाकी होप कि आपको व्लॉग किसी रीजन से अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो ओबियसली लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। सो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।